जनपद देवरिया के तरकुलवा थाना क्षेत्र अंतर्गत विद्युत उपकेंद्र पर विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन सफाइयों द्वारा किया गया। धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य भीषण गर्मी में बिजली कटौती को लेकर रहा। समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष विवेक सिंह व रीना देवी और 100 की संख्या में समाजवादी कार्यकर्ता विशाल धरना प्रदर्शन में पहुंचे। धरना प्रदर्शन के बाद एक ज्ञापन भी विद्युत विभाग को सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि तरकुलवा क्षेत्र की जनता विद्युत कटौती से काफी परेशान है, जबकि इस हालात को देखते हुए जिम्मेदार मौन है। इस धरने का उद्देश्य बिजली कटौती और बिजली जब आती है तो बार बार ट्रिप होती है, ताकि तरकुलवा आइडल का क्षमता काफ़ी कम है। हालांकि ये समस्या तो पूरे उत्तर प्रदेश का है, तो हम लोग आज अपने आइडल क्षेत्र में तरकुलवा में बैठे हुए हैं बिजली कटौती की समस्या को लेके, कि बिजली कटौती की समस्या ख़त्म हो। और जो ये तरकुलवा आइडल पे जो फीडर्स लगे हुए हैं, इस फीडर के चारों तरफ फीडर्स के जितने लोग हैं सारे कस्टमर परेशान हैं। बिजली अगर आती भी है तो हर दो मिनट में जाती है, तो इससे सब लोग परेशान हैं। उसी को लेके हम लोग ज्ञापन के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं प्रदर्शन पे। और निश्चित रूप से ये बड़ा प्रतिकूल मौसम भी है, लेकिन हमारे इरादे उतने ही मजबूत हैं। हम सभी तब तक बैठे रहेंगे जब तक जिले से कोई ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति प्रशासन का ना आए और ना उसकी जिम्मेदारी ले, तब तक हम लोग यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे। अभी तक कोई आया है प्रशासन की तरफ से? नहीं, अभी नहीं आया। फ़ोन कई बार आ चुका, लेकिन वो लोग ये शायद सोच रहे थे कि प्रतिकूल मौसम हो गया है, धरना खत्म हो चुका है। क्योंकि मेरे पास जितने फोन आए पहला क्वेश्चन यही था कि धरना खत्म हो चुका ना। मैंने कहा धरना तब तक खत्म नहीं होगा जब तक जिले से कोई अधिकारी नहीं आएगा। यहाँ आपको लगता है कि ये सरकार इस समय जो भी हाइड्रिल की व्यवस्थाएं हैं वो सही कर पाएगी? हाइड्रिल की व्यवस्थाएं सरकार से अगर पूछी जाए, सरकार की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो पिछले 10 सालों से इनकी सरकार है। 10 साल में पिछली सरकार ने जितना मेगावाट पैदा करने की बिजली की क्षमता उन्होंने अखिलेश सरकार में छोड़ के वो गए हैं, उससे आज तक इस सरकार ने 1 मेगावाट बिजली भी पैदा करने की क्षमता इस सरकार में नहीं है। तो ये उम्मीद तो नहीं है कि आपूर्ति पूरी की जा सकती है, लेकिन हाँ, हम इस धरने का उद्देश्य और इस उद्देश्य से बैठे हैं कि कम से कम हमारे तरकुलवा आइडिल क्षेत्र का अगर फीडर की क्षमता बढ़ा दी गई तो जितने देर तक भी लाइट मिलेगी वो बराबर मिलेगी, ये 2 मिनट में आना जाना बंद होगा। क्या आपको लगता है इस धरने का कोई प्रभाव पड़ेगा? धरने का प्रभाव, देखिए मैं बड़ा इस चीज़ पे मुखर बात रखना चाहता हूँ कि लोग जब अपने घरों में नाराज होते हैं तो अपने घर के मालिक से लड़ते हैं, अपने घर के मालिक से अपनी बात करते हैं, लेकिन वर्तमान सरकार इस तरीके का माहौल बना के रखी हुई है कि आम जनमानस इस तरीके से डरा हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि वो प्रदर्शन में कहीं खड़ा हो जाएगा, अपनी बात बोल देगा कि मुझे बिजली नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उसके घर पे अगले दिन बुलडोजर आ जाएगा। ये व्यवस्था सरकार ने सबको डरा के रखा हुआ। और जहाँ तक इस धरने के बाद इसकी स्थिति बदलेगी कि नहीं बदलेगी, ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन हमारे हाथ में जो है, हम जो लड़ाई लड़ सकते हैं वो हम लड़ने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं कि जब तक नहीं बदलेगी तब तक डॉक्टर विवेक सिंह पटेल आके इस क्षमता वृद्धि के लिए और यहाँ के बिजली आपूर्ति के लिए लड़ते रहेंगे। आप बता रहे हैं कि सरकार सबको डरा रही है, क्या आपको डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल साहब, डर किसको नहीं लगता, लेकिन डर वहाँ खत्म हो जाता है जब परेशान आप जैसे लोग होते हैं। डर वहाँ खत्म हो जाता है जब हमारी गाड़ियाँ रोक के कही जाती हैं, आम जनमानस में लोग कहते हैं कि विवेक बाबू क्या हो रहा है, बिजली की बड़ी दुर्व्यवस्था है, कुछ करिए। डर वहाँ खत्म हो जाता है जब नौजवान साथी कहीं मिलता है और कहता है कि विवेक भैया हमारा उम्र खत्म हो गया और जॉब नहीं मिली, जॉब निकला ही नहीं, हम लोग कहाँ से। तो भाई जब हमारे आम जनमानस लोग इतने परेशान हैं तो उनके आगे कोई डर नहीं लगता। इस चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करेंगे? इस चैनल के माध्यम से मैं जनता से बहुत मुखर होकर अपील करना चाहूंगा कि नेताओं की राजनीतिक दल होते हैं, नेताओं की राजनीतिक पार्टियां होती हैं। आप सभी किसी राजनीतिक पार्टी के गुलाम नहीं है, आप सब वोट अपने अधिकार के लिए देते हैं। सरकार किसी की हो, जहां आपके मान सम्मान और जहां आपके हित की बात आए, आपके अधिकार की बात आए, आपको उंगली जरूर खड़ा करना चाहिए। और मैं बहुत इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में इस सरकार ने जिस तरीके से लोगों को ठगा है, इस बार आम जनमानस इंतजार कर रहा है कि चुनाव आए और इनको हम लोग दूर कराएं।